तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वहाँ से स्वच्छ पानी पूरा ट्यूबवेल चल रहा है और पानी अंदर आ रहा है बाबा गोविंद साहब के पोखरे में। तो दोस्तों देख सकते हैं वहाँ पे सभी लोग समाधि स्थल पर पूजा पाठ कर रहे हैं। बाबा गोविंद साहब मंदिर के अंदर का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों भी ठीक ठाक हैं, मस्त हैं। और आज संडे, सावन का संडे, और जाने वाले हैं हम गोविंद साहब के धर्मस्थल पर, जो ये बाबा गोविंद साहब का स्थान है, धर्मस्थल है, उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित है। तो काफ़ी पुराना और प्रचलित, काफ़ी विख्यात धर्मस्थल है। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं जब बाबा गोविंद साहब का मेला लगता है। तो आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, जब बाबा गोविंद साहब का ठंडी में मेला लगता है तो आप लोग जाके वहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कैसा क्या अपडेट था। तो आज के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो की स्क्रिप्ट मत करिएगा। जैसा भी अपडेट वहाँ पे रहेगा, सावन का संडे में काफ़ी श्रद्धालु लोग वहाँ पे आए होंगे दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम आप लोग को वहाँ पहुँच के वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और बाबा गोविंद साहब का आप लोग को दर्शन कराते हैं। तो वीडियो को स्क्रिप्ट मत करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हम लोग ढोलबजवा मार्केट से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और हमारे उमेश भाई तो मिल चुके हैं ढोलबजवा में, तो फ़ोन करके पर्सनल इनको बुलाया गया, दोनों लोग बात करके फिर निकले हैं। तो चलिए अब हम लोग साथ आ चुके हैं, फिर निकलते हैं गोविंद साहब के लिए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है। तो दोस्तों हम नेवरी में विजिट कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं सामने ओवरब्रिज जो अकबरपुर और इधर अकबरपुर और आजमगढ़ की तरफ गया है इधर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कांवरियों की ट्राली जो है, इसमें कांवरिया लोग गए थे, आए हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। ये सब भी हमें लग रहा है गोविंद साहब का दर्शन करने ही जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सामने ये आजमगढ़ का टूल टैक्स है जो आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर की सीमा पर बना हुआ है। और इधर देख सकते हैं बाबा गोविंद साहब प्रवेश द्वार है, जो मेन द्वार है यही बाबा गोविंद साहब के। आप लोग देख सकते हैं बाबा गोविंद साहब यहाँ सब कुछ लिखा है। तो हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों, हम बाबा गोविंद साहब के धर्मस्थल पर विजिट कर चुके हैं। मेन जो स्थान उनका वो आगे है और ये देख सकते हैं दोस्तों, जब यहाँ पे मेला लगता है तो ये चारों साइड जहाँ जहाँ तक आप लोग को दिख रहा है, चारों तरफ दुकानें ही दुकानें नज़र आती है। जितना भी जहाँ तक आप लोग को दिख रहा है यहाँ से, इस चारों तरफ केवल दुकानें ही लगी रहती हैं बाबा गोविंद साहब के जब मेला चलता है ठंडी में। तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, बाबा गोविंद साहब का मेले का दर्शन करना होगा, नज़ारा देखना होगा तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके नज़ारा देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप दोस्तों आगे भी कुछ कांवरिया लोग भी जा रहे हैं और देखिए कितना गाड़ी वगैरह आ चुकी हैं। तो चलिए हम करीब पहुँच के फिर आप लोग को अच्छे से वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं बाबा गोविंद साहब का। दोस्तों देख सकते हैं सभी श्रद्धालु यहाँ पे, कुछ लोग दर्शन करके स्नान करके अपने घर जा रहे हैं, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग आके नहा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भीड़ लगी हुई है पूरा। दोस्तों हम फाइनली बाबा गोविंद साहब के धर्मस्थल पर आ चुके हैं, आप लोग यहाँ से यहाँ नज़ारा देख सकते हैं। और चलिए हम आप लोग को बैक कैमरे से यहाँ का नज़ारा अच्छे से दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वहाँ से स्वच्छ पानी पूरा ट्यूबवेल चल रहा है और पानी अंदर आ रहा है बाबा गोविंद साहब के पोखरे में। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बांस लगाया हुआ है चारों साइड से, ताकि यहाँ पे सिक्योरिटी भी हैं, पुलिस वाले भैया लोग भी चारों साइड से घूम रहे हैं। तो वहाँ देख सकते हैं पुलिस वाले भैया घूम रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों वो जा रहे हैं। तो साइड चारों साइड वो घूम के सभी लोग को मतलब जागरूक कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि ये जो बांस लगा है हुआ है, इसके आगे किसी को भी नहाने नहीं जाना है। तो इधर भी देख सकते हैं दोस्तों बांस लगा हुआ है, सभी भैया लोग जो भी लोग हैं दर्शन करने आए हैं, श्रद्धालु लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। तो ये देखिए बांस को पार करके आगे पड़ चुके हैं भैया, तो अगर पुलिस वाले भैया देखेंगे तो इनको पक्का डांटेंगे, क्योंकि वो इसी के लिए लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी हम आप लोग को लेके चलेंगे पोखरे, जो मेन मंदिर है बाबा गोविंद साहब का, देख सकते हैं जहाँ पे बाबा गोविंद साहब ने समाधि लिए थे। तो अभी हम लोग स्नान करके फिर वहाँ पे चलते हैं, फिर अंदर का नज़ारा दिखाते हैं और बाबा गोविंद साहब का दर्शन कराते हैं आप लोग को। तो दोस्तों देख सकते हैं चाचा जो गमछा बेच रहे हैं, तो हम गमछा लाना भूल गए थे घर से, तो इसको भी यहाँ पे ले लिए हैं, तो चलते हैं स्नान करने। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अंदर हमारे उमेश भाई पहुँच चुके हैं और हम चलते हैं, कपड़े वगैरह उतारेंगे फिर हम भी चलते हैं स्नान करने। तो फाइनली दोस्तों हम भी कपड़ा वगैरह निकाल चुके हैं और सभी लोग अंदर स्नान कर रहे हैं, इधर उमेश भाई स्नान कर रहे हैं
और इधर देख सकते हैं कितनी मस्ती चल रही है, सभी लोग दर्शन करने के लिए पहले स्नान करेंगे, उसके बाद मंदिर में जाएंगे, फिर वहाँ पे जाके पूजा पाठ करेंगे। जय बोले। तो दोस्तों हम पोखरे में स्नान कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं काफी मजा आ रहा है। पोखरा जो है दिल कर रहा थोड़ा जाए तैरने, बट यहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है, पुलिस वाले भैया लगे हुए हैं, तो दूर जाने पर ये लोग डांटेंगे इसलिए नहीं जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भोले जी का मंदिर है, तो देख सकते हैं सभी श्रद्धालु वहाँ पे जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ का, और यहाँ पे स्नान करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद लोग यहाँ पे जगह हैं बाबा गोविंद साहब की मेन स्थल पर जो समाधि उनका स्थल है, तो यहाँ पे फेरा वगैरह घूम रहे हैं, तो हम लोग भी अभी चलते हैं वहाँ पे, फिर आप लोग को वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से फूल वूल ले लिए हैं, अब चल रहे हैं मंदिर के अंदर। इधर देख सकते हैं दोस्तों कुछ लोग आए हुए हैं अपने यहाँ पे कढ़ाई वगैरह भी चढ़ा रहे हैं, अंदर पूजा पाठ करने कर रहे हैं। और इधर देख सकते हैं कांवरिया वाले बोलबम लोग आ चुके हैं, और इधर माता का मंदिर है शेरावाली मैया का, तो हम लोग मंदिर के अंदर विजिट करने जा रहे हैं, मेन मंदिर जो है बाबा गोविंद साहब का समाधि स्थल, तो इसके अंदर आगे उमेश भाई चल रहे हैं, पीछे हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और अब चल रहे हैं बाबा गोविंद साहब का समाधि स्थल, जो वहाँ पर 5 फेरा घूमेंगे और पूजा पाठ करेंगे, फिर वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं अंदर का। तो हम मंदिर का फेरा घूम रहे हैं, हम लोग 5 फेरा घूमना है बाबा गोविंद साहब के समाधि का जो है। बाबा गोविंद साहब का समाधि स्थल अभी अच्छे से दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग बाबा गोविंद साहब के धर्म स्थल का जो है उनका समाधि स्थल परिक्रमा करने के बाद पूजा पाठ कर चुके हैं, हम आप लोग को अब करीब से दिखाते हैं मंदिर के अंदर का नज़ारा। और इधर देख सकते हैं बाबा गोविंद साहब का जो वंदना लिखा हुआ है, और इधर आरती है बाबा गोविंद साहब की, और आप लोग मंदिर के अंदर सभी लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों ये बाबा गोविंद साहब का समाधि स्थल है, बाबा पुजारी दास जो हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, सबका प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं वहाँ पे सभी लोग समाधि स्थल पर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इधर मंदिर के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, इधर हमारे उमेश भाई पूजा पाठ करके ये भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी डिज़ाइन वगैरह बनाई गई है दोस्तों POP से, और कितना अच्छे से कलर किया है पेंटर ने, तो कितना अच्छा लग रहा है अंदर का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग चारों साइड का। बाबा गोविंद साहब मंदिर के अंदर का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों देख सकते हैं, और POP से काफ़ी अच्छी डिज़ाइन भी बनाई गई है, और इधर देख सकते हैं घंटा वगैरह भी पूरा लटकाया हुआ सब कुछ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में। और सभी श्रद्धालु लोग भक्त लोग पूरा दर्शन कर रहे हैं, अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, और इधर भी है एक मंदिर, तो चलिए हम वहाँ भी दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ पर जल्दी कोई विजिट नहीं करता, तो देखिए दोस्तों इधर है आवास वगैरह, बाबा का स्थान भी है अंदर, तो यहाँ पे लोग। तो दोस्तों हम आपको थोड़ा सा अंदर ले चल रहे हैं, यहाँ पे बाबा का यहाँ भी स्थान है, तो अंदर देख सकते हैं जय बाबा गोविंद साहब, और उधर देख सकते हैं जो यहाँ पे पुजारी वगैरह भी रहते हैं सब लोग, यहाँ रहने का स्थान है सभी लोग का, देखिए ताला लगा हुआ है, रूम बना हुआ है, सभी पुजारी लोग यहाँ पे रहते हैं रात में अपना। तो चलिए हम आप लोग को लेकर चल रहे हैं बाहर, और बाबा गोविंद के स्थान से फिर पोखरे का नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को एक बार दोबारा से। और इधर देख सकते हैं दोस्तों मंदिर पर आने का जो इधर का मेन गेट है, तो देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पे कम मेला लगता है दिसंबर के माह में, तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो देखिए कितना रास्ता बनाया हुआ है वहाँ से आने का, मेन गेट है, और अंदर आने के लिए काफ़ी कई रास्ते बनाए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 कतार में लोग वहाँ से अंदर आते हैं, तो सोच सकते हैं दोस्तों कि कितनी भीड़ लग जाती होगी, तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिए हैं उस पर क्लिक करके
तो यहाँ से आप लोग पूरा नज़ारा देखिए। हम बाबा गोविंद साहब के स्थान से वीडियो को शूट कर रहे हैं इस समय, तो यहाँ से नज़ारा लग रहा है कितना प्यारा। तो देख सकते हैं सभी लोग स्नान कर रहे हैं पूरा, उधर भी देख सकते हैं दोस्तों, उधर कोने भी देख सकते हैं ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, पूरा स्वच्छ पानी दोस्तों, इतना स्वच्छ पानी है कि कोई बात ही नहीं। पोखरे में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है, फूल वगैरह भी कुछ भी नहीं इसमें डाले जाते हैं, पूरा काफ़ी साफ सफाई रखा जाता है दोस्तों। हम लोग दर्शन करके अंदर से मंदिर के बाहर आ चुके हैं और अब इधर चल रहे हैं। देखिए पंडित जी घूम रहे हैं, चल रहे हैं टीका वगैरह लगवा लेंगे थोड़ा हम लोग। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी भक्त लोग की सुरक्षा के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है, पुलिस वाले भैया लोग ड्यूटी कर रहे हैं अपना लग के। और इधर देख सकते हैं कांवरिया भक्त लोग आ चुके हैं, कुछ लोग इधर देखिए समोसा जलेबी सब कुछ बन रहा है। और इधर देख सकते हैं दोस्तों ये बांस वगैरह गाड़ के काफ़ी अच्छे से सब कुछ ये बनाया गया है कांवरियों के लिए, ताकि वो आएँ तो कांवर उनको नीचे नहीं रखना रहता, इसलिए बनाया गया ताकि कांवर वाले आएँ यहाँ पे अपना कांवर रख के फिर आराम से दर्शन करें। मतलब देखिए डीजे उजे बज रहा है और देखिए चार समोसा पूरा लगाया हुआ सब कुछ, सब लोग खा पी रहे हैं दर्शन कर रहे हैं। और इधर देख सकते हैं दोस्तों दुकानें भी लगी हुई हैं ये छोटी छोटी, अपनी जरूरत का सामान बच्चों का खिलौना वगैरह कोई खरीदने चाहे यार। दोस्तों हम लोग बाबा गोविंद साहब का दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। तो आप लोग को आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे हमारी खास रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और बाबा गोविंद साहब जयकारा लगा दीजिएगा, जय बाबा गोविंद साहब। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, हम आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।